नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने वाले पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में अब भारत सरकार ने कदम उठाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली में उनके नाम पर संग्रहालय बनाने जा रहा है। बता दें कि वह दिल्ली से ही शासन किया करते थे। किला राय पिथौरा में यह संग्रहालय बनाया जाएगा। किले में पहले से बनी इमारत का विस्तार करते हुए इसके निर्माण के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इस संग्रहालय मुख्य रूप से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को ही समर्पित होगा। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर के अनुसार एएसआई ने अपने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जहां कहीं भी पृथ्वीराज चौहान से संबंधित दस्तावेज हो या फिर कोई सामग्री हो उन्हें एकत्रित किया जाए ताकि संग्रहालय में रखा जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि पहले यह एक उपेक्षित टीले की तरह था जहां आसपास काफी सारी झुग्गियां थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA को सक्रिय करते हुए जगमोहन ने यहां गंदगी हटवा कर विकास के लिए कार्य किया। दोस्तों यहां पर खुदाई की व्यवस्था की गई और एक संरक्षण केंद्र भवन का निर्माण हुआ और पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई। अब इस संरक्षण केंद्र का विस्तार किया जा रहा है। प्रदूषण के कारण इस पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब इसके आसपास हरा भरा और सुंदर पार्क भी बनाया जाएगा। इसी बात पर कई बुद्धिजीवियों के मन में टीस बैठ गई है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसा हो सकता है, एक भव्य हिंदू सम्राट के नाम पर संग्रहालय कैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जगमोहन ने अपनी पुस्तक में बताया है कि किस तरह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले चौहान ने लाल कोट का विस्तार करते हुए एक विशाल किला बनवाया। यहाँ कई मंदिर भी थे जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया। कुवतुल इस्लाम मस्जिद के लिए मुख्यतः इन्हीं ध्वस्त मंदिरों के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह जलाल और औलिया जैसे सूफी काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भारत आए थे। उदाहरण के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहां गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में ही बस गए थे। यहाँ उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित किए। कई बार हारने के बाद गौरी ने चौहान को हरा दिया था। तो दोस्तों आपका इस पर क्या सोचना है, इस संग्रहालय पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।